हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को अब तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है योरिची टाइप 0। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजिरो स्वॉर्डस्मिथ विलेज आता है अपने लिए एक नई तलवार बनवाने के लिए। मित्सुरी से उसे पता चलता है कि विलेज में एक सीक्रेट हथियार छुपा हुआ है, जिससे तांजिरो और भी पावरफुल हो जाएगा। अगली सुबह तांजिरो उस हथियार को ढूंढने निकलता है तो उसे जंगल में मिस्ट हाशिरा मुइचिरो दिखाई देता है, जो कि एक 10 साल के बच्चे से बहस कर रहा था। वो लड़का मुइचिरो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे चाबी नहीं देगा और ये भी नहीं बताएगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम इस बच्चे के पीछे किसी तरह की मूर्ति या रोबोट को खड़ा देखते हैं। तो दोस्तों, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। तांजिरो ये सब दूर से देख रहा था और उसे लगता है कि उसे इनके आपसी मामले के बीच नहीं आना चाहिए। अब मुइचिरो गुस्से में आकर उस बच्चे को एक चॉप मार के गिरा देता है, तो तांजिरो से ये देखा नहीं जाता और वो तुरंत वहाँ पहुँच कर मुइचिरो से कहता है कि वो बच्चे को छोड़ दे। लेकिन तांजिरो से मुइचिरो का हाथ भी नहीं हिल पाता, जबकि मुइचिरो तो तांजिरो से बहुत पतला है, फिर भी वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मुइचिरो फिर तांजिरो के पेट में कोहनी मार कर उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि तुम कमजोर हो, पता नहीं तुम्हें डीमन स्लेयर्स में दाखिला कैसे मिल गया। इसके बाद मुइचिरो सेंस कर लेता है कि तांजिरो की पीठ पर जो बक्सा है उसके अंदर कोई डीमन है। शायद मुइचिरो भूल गया था कि वो तांजिरो से ऑलरेडी मिल चुका है। खैर, मुइचिरो उस बक्से की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो तांजिरो उसे साफ मना कर देता है और फिर वो उस बच्चे को भी उससे दूर कर लेता है। बच्चा फिर तांजिरो से भी चिढ़ते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी चाबी किसी को नहीं देगा, वरना ये टूट जाएगा। अब मुइचिरो इस बच्चे की भी इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर ये टूट गया तो एक और बना लेना। तुम्हें पता है तुमसे बहस करते हुए अब तक कितने लोग मारे गए होंगे? एक हाशिरा का समय तुम जैसे लोगों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तुम सिर्फ हथियार बना सकते हो, उससे लड़कर किसी की जान नहीं बचा सकते। तो अब अपनी हैसियत में रहो और चाबी मुझे दो। तांजिरो फिर मुइचिरो के सामने आता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि मुझे तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम कितने बुरे हो। तांजिरो आगे कहता है कि एक स्वॉर्डस्मिथ होना भी बहुत जरूरी काम है, अगर ये लोग तलवार बना के नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? तलवारबाज और स्वॉर्डस्मिथ दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुइचिरो फिर तांजिरो की बात काटते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी बोरिंग स्पीच सुनने का टाइम नहीं है। फिर वो तांजिरो की गर्दन पर एक चॉप मार के उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि होतारू भी एक पेड़ के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रहा था। तांजिरो के बेहोश होने के बाद वो उनके पास आता है, लेकिन कुछ ही देर में तांजिरो जागने लगता है तो ये देख होतारू यहाँ से भाग निकलता है। जागने के बाद तांजिरो पूछता है कि क्या होतारू यहाँ आए थे, जिस पर वो बच्चा झूठ बोलता है कि वो तो यहाँ नहीं आए। दोस्तों, इस बच्चे का नाम कोतेत्सु है। खैर, मुइचिरो वो चाबी लेकर यहाँ से चला गया था। तांजिरो फिर पूछता है कि उनके पास जो चीज खड़ी थी वो क्या है, जिस पर कोतेत्सु बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है, उसका नाम योरिची टाइप 0 है, उसे चलाने के लिए एक चाबी चाहिए जो मुइचिरो मुझसे मांग रहा था। ये एक खास तरह की डॉल है जिसमें 108 तरह के मूव्स डाले गए हैं, जो आराम से किसी भी आम इंसान को हरा सकता है, और इसे हाशिरा की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, तभी इन्हें तलवार चलाने की आवाज आती है। और वो देखते हैं कि मुइचिरो ने उस डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तांजिरो कोतेत्सु से पूछता है कि इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं? असल में ये डॉल इस बच्चे के पूर्वजों ने बनाई थी, वो भी एक असली योद्धा तलवारबाज पर, जिसका नाम योरिची था, और योरिची के मूव्स की बराबरी करने के लिए उन्हें इस डॉल को 6 हाथ देने पड़े। तांजिरो को पता था कि उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है। वो बच्चे से पूछता है कि वो तलवारबाज कौन था और वो कहां पर है। कोतेत्सु कहता है कि उसे भी ज्यादा नहीं पता, क्योंकि ये बात सेंगोकु पीरियड की है, यानी कि करीब 300 साल पहले की। ये सुनकर तांजिरो हैरान हो जाता है कि 300 साल के बाद भी ये डॉल नहीं टूटा है। कोतेत्सु बताता है कि उस समय के लोगों की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड थी और अगर ये डॉल बिगड़ गई तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोतेत्सु मुइचिरो को चाबी नहीं दे रहा था। तांजिरो मुइचिरो को लड़ते हुए देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो उम्र में उससे छोटा है लेकिन कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। अचानक एक तीखी आवाज उन्हें सुनाई देती है। ये आवाज मुइचिरो के कासुगाई क्रो की थी। वो कहती है कि टैलेंटेड हो भी क्यों
होना, आखिर वो एक सन ब्रीदिंग वील्डर का वंशज है। दोस्तों, सन ब्रीदिंग को सबसे पहला ब्रीदिंग फॉर्म माना जाता है। तांजिरो कहता है कि लेकिन ये तो सन ब्रीदिंग को यूज नहीं कर रहा, जिस पर कासुगाई क्रो तांजिरो का गाल काट लेती है उसके ओनर की बेइज्जती करने के लिए। तांजिरो को फिर याद आता है कि उसने योरीची को अपने सपने में देखा था, जिस पर क्रो तांजिरो से कहती है कि तुम पागल हो क्या, 300 साल पहले का योद्धा तुम्हारे सपने में कैसे आ सकता है। तांजिरो कहता है कि शायद मैं सच में पागल हो गया हूँ, जिस पर कोतेत्सु बोलता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि तुमने अपने पूर्वजों की मेमोरी देख ली हो। इस विलेज में ये बातें अक्सर होती रहती है कि हमें हमारे पूर्वजों के जीन्स के साथ साथ उनकी मेमोरीज भी मिलती हैं। तो तांजिरो ने अपने सपने में जो देखा था वो उसके किसी पूर्वज की मेमोरी होगी। ये सुनकर तांजिरो को थोड़ी राहत मिलती है। फिर अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि मुइचिरो ने उस डॉल पर वार करके उसे डैमेज कर दिया था। कोतेत्सु रोते हुए यहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ देर में ही तांजिरो अपनी स्मेल पावर की वजह से कोतेत्सु को ढूंढ लेता है, जो कि एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तांजिरो उसे समझाता है कि उसे उस डॉल पर गिव अप नहीं करना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो सारी चीजें वो कर सके जो वो अभी नहीं कर सकता। कोतेत्सु उसकी नहीं सुनता तो तांजिरो भी पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे एक चिमटी मारते हुए कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें अपनी मेहनत का फल अभी ना मिले, पर शायद तुम्हारे बच्चे या पोते जरूर ये काम कर दिखाएंगे। तांजिरो फिर बताता है कि वो मुजान की बुत्सुजी को मारना चाहता है और अपनी बहन को बचाना चाहता है जो कि डीमन बन चुकी है। शायद ये दोनों काम करने से पहले तांजिरो मर जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद है कि कोई ना कोई उसका ये काम जरूर पूरा करेगा। तांजिरो की बातें सुन कोतेत्सु रोने लगता है और कहता है कि अब अगर मेरी डॉल टूट भी गई तो मैं खुद को संभाल लूंगा। वो वापस डॉल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें मुइचिरो मिल जाता है। वो बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और उसने अच्छे से ट्रेन किया। मुइचिरो ये भी बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसकी तलवार टूट गई थी, इसीलिए वो उस डॉल की तलवार ले जा रहा है। हम देखते हैं कि मुइचिरो ने उस तलवार के साथ साथ उस डॉल का हाथ भी उखाड़ दिया था। कोतेत्सु गुस्से में अपनी डॉल देखने जाता है और मुइचिरो अपनी पुरानी तलवार तांजिरो की तरफ फेंक देता है कि वो इसे कचरे में डाल दे। इसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और दोनों इस डॉल को देखते हैं जो कि अब टूट गई थी। तांजिरो कोतेत्सु से कहता है कि हमें चेक करना चाहिए कि ये डॉल अब चलती है या नहीं। तांजिरो की बात मानकर कोतेत्सु उस डॉल में चाबी भर देता है और वो अब भी चल रहा था। अब कोतेत्सु चाहता था कि तांजिरो इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करे और उस कमीने हाशिरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसमें कोतेत्सु उसे पूरा सपोर्ट करेगा। अब तांजिरो इस डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन पांच हाथों के साथ लड़ने में उसे काफी दिक्कत आ रही थी। सेफ्टी के लिए उन्होंने डॉल के हाथ से तलवारें हटाकर लकड़ी के पट्टे लगा दिए थे। अब कोतेत्सु तांजिरो को बताता है कि जब वो मुइचिरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो उसे कौन सी गाली देनी है, लेकिन तांजिरो ऐसा कुछ कहने से मना कर देता है। तांजिरो की डॉल के हाथों अच्छी धुलाई हो जाती है तो कोतेत्सु उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी इंसल्ट करने लगता है और ये भी कहता है कि जब तक तांजिरो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते मैं तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं दूंगा। ऐसे ही पांच दिन निकल जाते हैं। तांजिरो की मरने जैसी हालत हो गई थी, लेकिन कोतेत्सु उस पर कोई नरमी नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो बस 10 साल का है, तो उसे नहीं पता कि कोई इंसान कितना सहन कर सकता है। एक आम इंसान बिना खाने पीने के सिर्फ 3 दिन में ही मर सकता है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है और तांजिरो को थोड़ा पानी पीने को मिल जाता है। कुछ समय बाद ट्रेनिंग करते हुए तांजिरो को भ्रम होता है कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में एक पुल पार कर रही है, लेकिन तांजिरो भूख के मारे उस पुल से नीचे नदी में गिर जाता है। नदी में कुछ हाथ उसे मसाज देने लगते हैं और उसे नदी के नीचे कोई चमकती हुई चीज भी दिखाई देती है और तभी तांजिरो को होश आ जाता है। तांजिरो अब डॉल के अटैक्स को स्मेल कर पा रहा था, यानी उसे पहले पता लग रहा था कि डॉल का कौन सा हाथ कौन सा अटैक करने वाला है, जिस पर तांजिरो डॉज कर देता है और पहली बार डॉल पर वार करने में वो कामयाब हो जाता है। हालांकि इससे डॉल को खरोज भी नहीं आई थी, पर कोतेत्सु तांजिरो को खाना देने के लिए मान जाता है और तांजिरो उसे चिल्लाकर ऑर्डर देता है 3 प्लेट राइस बॉल्स और एक कड़क मसाला चाय। खाना खाने के बाद तांजिरो में एनर्जी आ जाती है और अब वो डॉल के साथ अच्छी टक्कर ले पा रहा था। लड़ाई के दौरान तांजिरो अपनी पूरी ताकत से डॉल पर अटैक करने वाला था, पर उसे ध्यान आता है कि अगर ये टूट गई तो कोतेत्सु को बुरा लगेगा। कोतेत्सु पीछे से चिल्लाता है कि पूरी ताकत से मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये टूट भी जाए तो मैं इसे फिक्स कर लूंगा। अब तांजिरो पूरी ताकत से डॉल के सिर पे मारता है, जिससे उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और तांजिरो की तशरीफ टूट जाती है। लेकिन फिर डॉल का सिर टूटकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक पुरानी तलवार रखी हुई थी।
कोतेत्सु कहता है कि शायद ये तलवार 300 साल पुरानी होगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों ये तलवार योरीची की नहीं है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने योरीची के पास एक दूसरी तलवार देखी थी। अब ये तलवार किसकी है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और हो सकता है कि ये वही सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में मित्सुरी बात कर रही थी। खैर अगले एपिसोड में तांजीरो और इस विलेज पर बड़ा खतरा आने वाला है, तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।